शौर्या भी मुझे मिले यहाँ पे, तो शौर्या ने बताया कि इंडिया में देखते थे लिविंग ऑन द एज। हाँ देखता था, बहुत देखता था, काफी एपिसोड यूट्यूब पे भी मैं देखा हूँ, 4-5 एपिसोड, तो काफी कूल है। अच्छा तो इंडिया में कहाँ से आ? बैंगलोर। बैंगलोर में बिहार से? मैं बैंगलोर का शहर है मेरे, लेकिन मेरे पापा ओरिजिनली बिहार। आपके एक्सेंट सा वो आ रहा था ना, बिहार का आ रहा था ना। हाँ, मेरे पेरेंट्स ओरिजिनली। तो क्या करते हैं आप यहाँ पर लंदन में? लंदन में हम लोग की 20 ग्रोवर्स प्लेस में ऑफिस है, केमिकल बनाते हैं हम लोग। अच्छा तो आपने तालीम कहाँ से हासिल की? इंडिया में कौन सा स्कूल था? इंडिया में इंडस इंटरनेशनल स्कूल है बैंगलोर में। और उसके बाद? और उसके बाद मैं एक वेल्स कॉलेज करके यूनिवर्सिटी यूएसए में वहाँ पे, और उसके बाद इकोनॉमिक्स मैंने किया था बस। तो अभी लंदन में एक ऑफिस है, यूएस में, और लंदन में, यूएस में, स्विट्जरलैंड में, सिंगापुर में, जर्मनी में। अच्छा तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं या क्या करते हैं? हाँ तो बेसिकली केमिकल इंडिया में बनते हैं और फिर हम लोग वर्ल्ड वाइड बेचते हैं, तो हम लोग क्लोज टू 100 मिलियन रेवेन्यू करते हैं, 100 मिलियन ईयरली। हाँ ईयरली। अच्छा इंडिया में टैक्सेशन का क्या चक्कर होता है? टैक्स तो बहुत खराब है। क्या थोड़ा बताओ कैसे टैक्स इंडिया में, लाइक जैसे सिंगापुर में अगर आप टैक्स दोगे सैलरी पे तो आप दोगे 15-20%, इंडिया में ऑलमोस्ट 45% है। यहाँ की तरह? यहाँ से कम थोड़ा, लेकिन स्टिल हाई टैक्स। Yeah, it's a really high tax. और इंडिया में तो प्रॉब्लम ये ना कि 1% पॉपुलेशन टैक्स भरती है, पूरा पॉपुलेशन टैक्स नहीं भरता, ओनली 1%। ये जो कहते हैं अंबानी और बाकी लोग टैक्स नहीं, रिच जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए टैक्स से, ये झूठी बात है ना, जैसे कि यार दे आर फैसिलिटेटिंग द रिच पीपल। नहीं रिच ही लोग, इंडिया में 1% टैक्स भरता है तो आप सोचिए खाली रिच ही टैक्स भरते होंगे, और तो कोई टैक्स भरता ही नहीं है। हाँ अच्छा तो मुझे बताओ तुमने बॉडी, अभी आप इसके अगर देखो, इसने ये इसको बनना है जॉन जीना, राइट? बॉडी वैसे चाहिए। हाँ और इसने 21 साल में ही शादी कर ली? मैंने शादी तो लास्ट ईयर की, पर 28 का हूँ। 28 का है, और उसकी बॉडी दिखाओ यार एक मिनट, इसकी बॉडी देखो कितनी ज़बरदस्त इसने बनाई हुई है। मैं नाश्ते में रुक गया क्योंकि बंदे बहुत मिलते हैं लेकिन कुछ कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं। मुझे थोड़ी भाई तो पूरा जॉन जीना बन जाए। लेकिन अब ये तो बॉडी बनाने का रास क्या है? अब जैसे मेरी तो नहीं है, अब क्या कोई जो बंदे भी देख रहे हैं? नहीं बस डाइट खाना पड़ता है। मैं अभी तक ड्रग्स किया नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर में सोचता हूँ कि ड्रग्स लूँगा बॉडी बनाने के लिए, लेकिन अभी क्लीन हूँ, लेकिन इवेंचुअली हाँ प्लान इतना बड़ा होने के लिए लेना पड़ेगा। लेकिन जॉन जीना क्यों बनना है, रॉक क्यों नहीं बनना? क्योंकि रॉक बड़ा है, उसके ऐप नहीं है ना, जॉन जीना के तो ऐप भी है। तो उसका प्लान क्या बनने का, मतलब कैसे क्या करोगे क्या उसके लिए? तो अभी तो जैसे एक ट्रेनर है तो उसको फॉलो कर रहा हूँ, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी थोड़ा ट्राई करें कि वेट गेन हो जाए, फिर वेट गेन एक बार 80 किलो हो जाऊंगा तो फिर से कट करूंगा, और फिर ऐसे 1-2 साल कर करके। कितना आप कितना ट्रेन करते हो दिन में? तो अगर मैं कट, अभी जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ तो 1 ही घंटा, लेकिन अगर मैं कट कर रहा होता हूँ लाइक लीन होने के लिए, तो लीन होने के लिए 1 घंटा ट्रेन करता हूँ और 1 घंटा कार्डियो करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 2 hours। और जो आपने सोचा हुआ है कोई, अभी प्रोटीन शेक लेते हो या कुछ और? हाँ प्री वर्कआउट और वो भी। ओहो साथ ही खाना मील्स भी। ओ ला 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 ला, जबरदस्त जबरदस्त। तो आपकी शादी को कितना दिन हुआ है? ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है नवंबर में। और लव मैरिज है या अबू ने कराई है? लव मैरिज है, पापा ने नहीं कराई। और पहली गर्लफ्रेंड, और पहले से शादी हो गई आपने? हाँ मतलब उसका मैं पहला बॉयफ्रेंड नहीं, उसका मैं 8वां 10वां हूँ, लेकिन मेरी पहली। अच्छा उसके आप 8वें बॉयफ्रेंड थे? 8वां 9वां। ये इंडिया में बड़ा मुश्किल है, जिससे लड़के से पूछो कहता है यार लड़की से शादी करना बड़ा मसला है, वहाँ पे लड़की सेट नहीं होती, ये क्या चक्कर है? नहीं हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, जब मेरी हो गई, मेरी तो कोई नहीं हो रही थी था। और मैं बहुत जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप मेरे फेसबुक पे देखेंगे तो मैंने एटलीस्ट 3,000 लड़कियों को मैसेज किया होगा कि डेट, लेकिन हाँ। लेकिन तुम अच्छे खासे गुड लुकिंग हो, तो तुमने फेसबुक पे तुमने वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं की, टिंडर मिंडर वो जो होती है? टिंडर विंडर मेरा काम ही नहीं कर रहा था, टिंडर में आपको एक जैसे कुत्ते के साथ फोटो, गाड़ी के साथ, और मैं बहुत पैम्पर्ड हूँ, जैसे मैं घर में मेरा ठीक ठाक है, तो ना मुझे गाड़ी चलाने आता है, ना मुझे जूते का लेस पहनना आता है, बिना लेस के जूते पहनता हूँ। अरे जबरदस्त। नहीं तो फिर तो आप तो 1% में आते हो ना इंडिया के केमिकल का सब का, वन नहीं तो उस 100 मिलियन डॉलर्स का है, मतलब 100 मिलियन डॉलर्स कितने में आपका है, 700-800 करोड़ का, 1,000 करोड़ के करीब का बिजनेस है पापा का तो। हाँ और अकलौते हो? नहीं अकलौता नहीं हूँ। फिर कितने हैं? हम लोग 3 हैं, मतलब मुझे इंक्लूड करके 4 भाई है। हाँ 2 भाई 1 बहन। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि
आपके इस पूरे बिजनेस की वजह से तो यार पैसे वैसे जब होते हैं तो लड़की तो आ जाती है। ये तुमने मुझे बिल्कुल लेटेस्ट बात बताई कि ऐसा नहीं हुआ। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, किसी के होता होगा। सोचो जरा यार, ये बता रहे पैसे भी हैं, बॉडी भी है, फिर कह रहा है कि इसको लड़के जो आपकी जिनसे शादी हुई है वो कहाँ मिली थी? मेरी बहन की शादी में। नहीं, कहाँ? गोवा में। अच्छा अच्छा, इंडिया में आपकी तरह का बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए? इंडिया में एक्चुअली बिजनेस खड़ा होना बहुत ईजी है। जैसे आप देखिए, अगर आप देखिए नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स में आप देखिए, नेटफ्लिक्स क्लेम करते हैं कि वो लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस है, लेकिन है नहीं वो लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग। जियो इज लार्जर देन नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग, जियो सिनेमा, क्योंकि जियो सिनेमा में ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर ज़्यादा नेटफ्लिक्स है, और जियो खाली इंडिया में। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि अगर आपका कुछ होमोजीनियस प्रोडक्ट हो या समथिंग विच पीपल वॉन्ट, लोग ले ही लेते हैं। जैसे अगर अब देखिए, अभी आपने सुना होगा वो अमन गुप्ता है, वो भी एक बिजनेस कर रहा है और वो हेडफोन्स बनाता है, इसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। तो इंडिया में इट्स वेरी बी टू सी बहुत ईजी है, बी टू बी भी मोस्टली यहाँ से। अगर यूरोप जैसे हम लोग करते हैं तो इंडिया में मैन पावर चीप है, सस्ता प्रोडक्ट आपका बनेगा ही यहाँ से। तो ये GDP जितना मोदी कैसे लगता है तुम्हें? मतलब इकोनॉमी के लिए तो काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा तो शादी थोड़ी करनी है मोदी से, तुझे इकोनॉमिकली देखना है ना। प्राइम मिनिस्टर तो मोदी गर्लफ्रेंड थोड़ी बनाएगा तो उसको। इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छे हैं, है ना। हाँ, इकोनॉमिकली तो, और मतलब अभी देखिए आप अगर देखेंगे तो UAE और ये सब में इंडियंस को ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। लाइक अफगानिस्तान की भी टीम अब पाकिस्तान की सगी नहीं है, इंडिया की सगी हो गई। लेकिन अभी आगे जो है आपको क्या नज़र आता है कि ग्रोथ वाइज चाइना को बीट कर देगा इंडिया? मे बी नॉट अभी, पर कंसिडरिंग नंबर्स 10 साल में कर देगा, है ना। पहली बात, आपके हमारे पास पॉपुलेशन ऑलरेडी है, गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट, और इंडियंस आर, अगर आप देखिए वेल्दी इंडियंस, तो वेल्दी इंडियंस आर वेल्दियर। जैसे अगर मुकेश अंबानी है ऑलमोस्ट एशिया का सबसे वेल्दी मैन, एशिया में कोई समीर नहीं। यूरोप में भी लगभग, यूरोप में भी एक आदमी है बस जो लुई वुइटन का ओनर है, जो समीर है, बर्नार्ड कुछ। हाँ। बाकी सब तो खाली अमेरिकन से हैं और स्टार्टअप कर चलवा रहे हैं, इंटरनेट इकोनॉमी या टेस्ला वगैरह वाले, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट वगैरह। हाँ, बस वही सब, और तो कोई है नहीं। तो ये इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारा अपना जो बिजनेस का क्या मजा आता है तुम्हें? देखिए, मुझे केमिकल्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं, मैं तो केमिकल्स एंजॉय भी नहीं करता। लेकिन आप अगर एक NFL टीम, आपने सुना होगा न्यूयॉर्क जायंट्स, तो मेरा ड्रीम है कि मैं न्यूयॉर्क जायंट्स को खरीद लूँ। खरीद लेगा तू? दूसरे पैसे दिए $6 billion की है, $6 billion तो मेरे पास है नहीं अभी, लेकिन होपफुली एक दिन कर लेगा तू यार। तो मैं पोटेंशियल है, मैं जज कर लेता हूँ, बंदा पॉजिटिव एनर्जी वाला है, तो 35-36 तक कर लेगा तू। क्योंकि तुम मतलब वो हो, शराब तुम नहीं पीते, पार्टी तुम नहीं करते, और तुम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करते हो। बॉडी बिल्डिंग और काम, वही है काम है। लेकिन बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, थैंक यू सो मच। और यकीनी तौर पे तुम जो है बिलियनर बन ही जाओगे, क्योंकि 100 मिलियन तो बना ही रहे हो। 100 मिलियन है हाँ, लेकिन 1 बिलियन बहुत दूर है ना, 900 मिलियन। लेकिन जो मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी, तुमने कहा लड़की नहीं फंस रही थी, अमीर बंदे से बंदा क्यों? मुझे तो ये नहीं समझ आया, हर किसी का जैसे ये मिली कहाँ थी आपको, ये आपकी बहन की शादी कहाँ थी? गोवा में। अच्छा, गोवा में मिली, लेकिन अमेरिका में यार लड़कियाँ ईजी तो है। अरे अमेरिका में मैं कितना ट्राई किया आपको मैं बताता हूँ। उसको उसको किसको जो मैं लाइक करता था, एक ब्लॉन्ड लड़की को, उसको लेके मैं न्यूयॉर्क गया, वो मान नहीं रही थी। पहले मैंने बोला मेरे बर्थडे पे मैं उसको न्यूयॉर्क ले जाना चाहता था, वो अपने खर्चे पे, अपने खर्चे पे नहीं मानी, तो वो नहीं जब जा रही थी मेरे बर्थडे पे। कॉलेज में थी? हाँ, कॉलेज में, हम लोग सेम कॉलेज में थे, सेम बैच। ठीक है, तो वो नहीं मानी। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था उसका बेस्ट फ्रेंड लड़की कौन है, तो मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड को इन्वाइट किया, मैंने उसके भाई को इन्वाइट किया। तो उसकी उसके 9 लोग उसके जो सब फ्रेंड्स थे सबको मैंने इन्वाइट किया, और सब ने हाँ बोला कि मैं आऊँगा, फिर भी वो नहीं मानी। तो हम लोग ट्रिप में जा रहे थे, प्लान जाने वाले थे, मतलब कार वार आ गई थी कि अब न्यूयॉर्क जाओ, हमारा ड्राइवर 5 घंटे का टैक्सी वैक्सी आ गई थी। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैंने बोला अच्छा अब इसके सारे फ्रेंड, एक फ्रेंड तो मेरा हो जिसके साथ मैं जा पाऊँ, तो अपने एक फ्रेंड को इन्वाइट कर दिया। तो लास्ट मोमेंट आती है कि बोलती है कि मैं भी आना चाहती हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड भी आएगा। मैंने बोला ठीक है, मेरे दोनों फ्रेंड को मैंने बोला मत जाओ, और उसको उसके बॉयफ्रेंड को लेके चला गया। तू? हाँ, उसके उसके बॉयफ्रेंड को और उसके 9 फ्रेंड्स को, और मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, और बर्थडे मेरा था लेकिन बन रहा था उसका। तूने उसको बोला नहीं कि मैं पसंद करता हूँ तुझे? इवन तो उस वक्त तो
हम लोग बस दोस्ती करने का था, क्योंकि मैं फेसबुक पे, हम लोग स्विम टीम में, तो मैं रोज़ उसको फेसबुक पे रिक्वेस्ट मारता था, वो रोज़ रिजेक्ट करती थी। तो उस वक्त गए हम लोग, थोड़ा मतलब बात बात हुई, दोस्ती वोस्ती हुई, उसका और उसका बॉयफ्रेंड और मैं रूम शेयर, मतलब उसका बॉयफ्रेंड वो और मैं एक रूम शेयर कर रहे थे। तो मेरे बर्थडे के मतलब बात बात हुई, थोड़ी दोस्ती हुई, फाइनली वो मेरा फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद फिर तो ये पढ़ती कहाँ थी? मेरी कॉलेज में। तो तेरे कॉलेज में तो डायरेक्ट बात बात कर ले, फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है? अरे रोज बात करता था, एक्सेप्ट नहीं करती थी। सेम स्विम टीम में था, स्विमिंग भी उसके साथ करता था, बैठते थे एक साथ टेबल पे। हाँ? लेकिन तब भी बात नहीं। स्विमिंग तुझे आती नहीं थी ना पहले? नहीं, डूबते रहता था, ड्राउन प्रैक्टिस बुलाता था। तो स्विमिंग तुमने उसके चक्कर में सीखी है? हाँ, मैं काफी ढंग का स्विमिंग कर सकता हूँ, मतलब बहुत अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन ओके ओके उसके चक्कर में ना। हाँ, उसके चक्कर में खाली उसके, क्योंकि मैं डूबते, मैं उसको ड्राउनिंग प्रैक्टिस करते रहता था। तो जब स्विमिंग टीम ज्वाइन करने से पहले मैं वर्कआउट कर रहा था, और मेरा एक फ्रेंड टायलर लुइस, वो आके बोला तुम स्विमिंग टीम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मैंने बोला पागल हूँ, यहाँ पे -20 है, इतना ठंड है, इतनी ठंड में मुझे अपने मतलब मुझे सर्दी लग जाएगी, इतना स्विमिंग मैं नहीं करूँगा। और मैं स्विमिंग नहीं किया। तो हमारा जिम है, और जिम के सामने मतलब एक शीशा है, मतलब जिम से आपको पूल दिखाई देता है। तो पूल मैंने उसको स्विमिंग करते हुए देखा, और नेक्स्ट डे स्विम टीम स्विमिंग पूल के अंदर सबसे पहले मैं था। लेकिन उसमें पसंद क्या था तुम्हें? उसकी बात करने का स्टाइल, फिगर पसंद था, शक्ल पसंद थी? शक्ल पसंद थी। क्या बात करने की स्टाइल, तो मैं बात ही नहीं क्या है। नहीं, अच्छा जो अब तो तुम्हें जो ये जिनसे आपकी बहन की शादी में जो आपको मिली, तो उनको आपने कैसे फंसाया फिर? वो जल्दी मान गई थी? नहीं, वो भी जल्दी नहीं मानी थी। क्या मसला यार, बॉडी बनी भी अमीर आदमी, ये तो तुम ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने नहीं सुनी। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि कोई अमीर भी है, 100 मिलियन भी बना रहा है, बॉडी भी है, शक्ल भी अच्छा है, गुड लुकिंग गाय है, उसको लड़की नहीं फंस रही, ये कैसे हो सकता है यार? पता नहीं। तो उनको उसको मैं मिलने गया था इलाहाबाद, मतलब थोड़ा इंस्टाग्राम पे चैटिंग वैटिंग भी थी। तो उसके बाद मैं गया इलाहाबाद मिलने, वो इलाहाबाद में रहती थी उस वक्त, अब तो उनके पेरेंट्स बॉम्बे शिफ्ट हो गए। तो मैं इलाहाबाद गया था मिलने, तो पहले दिन उनमें क्या अच्छा लगा था आपको? शक्ल। बहुत शैलो आदमी हूँ मैं, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि बात करने में कैसी हो, ट्रीट कैसे करेगी, इखलाक कैसा होगा, जूते मारेगी कि नहीं मारेगी, शक्ल ठीक है, सब ठीक है। तो इसका मतलब शाहरुख खान की फिल्में देख के जवान हुआ तू? हाँ, और किसकी भी, और इंडिया में कौन चलता है शाहरुख खान सलमान कटपत? उन कमबख्तों ने दिमाग खराब किया हुआ है, तभी कुछ हंसती नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर वो पीछे लगे रहते हैं। अच्छा, वहाँ इंडियन लड़कियां भी उनको देख के जवान हुई, तो उनको भी होता है कि चेस करता रहे लड़का, पीछे पड़ा रहे। एटलीस्ट इंडियन लड़कियों के समझ तो आता है चेस कर, बाहर तो समझ में नहीं आता। नहीं तो फिर तुम मानी कैसे वो? तो पहले दिन तो मैं इलाहाबाद गया, तो इलाहाबाद में हम लोग मतलब पहले दिन तो आई नहीं, और मैं इलाहाबाद आ गया हूँ बैंगलोर से, और बैंगलोर से इलाहाबाद अच्छा 3 घंटा दूर है ना, मैं किसी को जानता हूँ, तो रोड पे मैं भटकते रहा हूँ और हनुमान चालीसा गा रहा हूँ। तो गा रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे, एक 2 दिन के लिए मैं रुका था, तो नेक्स्ट डे वो आई, तो हम लोग की थोड़ी बातचीत हुई, अच्छी लगी मुझे नेक्स्ट डे पे, और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, तो मैं जाके फैमिली को बता दिया। अब फैमिली को मैंने बता दिया, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने फैमिली को बता दिया कि हम लोग की बात हुई, तो फिर से मिलना बंद कर दी। ये क्या बात हुई, फैमिली को तो बताना चाहिए ना। हाँ, मैं तो मेरा तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो मेरे फादर की फ्रेंड की बेटी थी, तो मैंने अपने फादर को बोला, देखिए मुझसे तो नहीं होगी, आप ही अरेंज करवा दो। लेकिन फादर ने बोला मैं ही अरेंज करूँगा, तुम्हें जो करना है खुद करो। तो फिर से मैं बात बात किया, बीच में हम लोग का ब्रेकअप भी हुआ, लेकिन हो गया। तो उन्होंने हाँ किस पॉइंट पर बोली, आपने ऐसा क्या किया, जैसे क्या टिप दोगे लड़कों को अपनी पूरी ट्यूटोरियल से? मैं टिप तो मैं पता नहीं क्या किया मैंने, ऑलमोस्ट हम लोग का ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकअप तो बात चल रही थी, रुक गई, रुकने के बाद वो उनको याद आने लगी तो मैसेज कर दी। तो टिप तो कुछ ऐसा है नहीं, मैं उनको 1000 तरीके बता सकता हूँ जिसमें लड़की ना फंसे, एक तरीका भी नहीं सब समझा। लेकिन बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी, और बहुत कमाल के आप इंसान हैं, और बहुत दिल के साफ़ हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो दिल के भी साफ़ हों, और इतने पैसों के बाद पार्टी भी ना करते हो, लड़कियों में भी ना हो। आपकी वाइफ बहुत लकी है, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत लकी है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।